Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you so much to each and every viewers. Thank you to all my subscribers. Thank you for your lovely comments. थैंक यू फॉर योर लवली कॉमेंट्स. ओके, तो कॉमेंट्स से याद आया, क्योंकि मैंने लवली लवली कॉमेंट्स बोला है तो मुझे याद आया कि अब मुझे बता देना चाहिए कुछ लवली लवली कॉमेंट्स जो कि मुझे आए हैं. बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए हैं और उसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है, अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. अच्छा, ये क्या है? ओके, तो एक मुझे आया है शबीन अंसारी की तरफ से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन शबीन अंसारी. 16 घंटे पहले आया था, 16 घंटे से पहले आया था एक्चुअली. तो वो कह रही है, हेलो मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड बहुत सारा प्यार आपको भी शबीन, और रिस्पेक्ट आपके लिए है मेरे दिल में, बिकॉज आज मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ हो ओ पोनो पोनो प्रेयर से. उन्होंने हो पुनः पुनः प्रेयर किया और वो अपनी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और उन्होंने खास करके ये चीज़ मेंशन की है कि प्लीज़ ये सक्सेस स्टोरी उन सभी लोगों के साथ आप शेयर करिए जो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा है. सो ये सक्सेस स्टोरी हो पुनः पुनः प्रेयर से है. मैम, मेरे बॉडी के हिप एरिया में सोरियासिस हो गया था. सोरियासिस एक स्किन डिजीज होती है जिसमें चमड़ी अपने आप खराब होने लगती है वहां पे, तो उनको वहां पे सोरियासिस हो गया था कहीं हिप रीजन में. और पिछले 6 महीने से मैं बहुत परेशान थी, डॉक्टर को भी दिखाया, क्रीम भी यूज किया, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला. नाइट में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, पर अभी एक वीक पहले ही मैंने आपकी हो ओपनोपनो प्रेयर हीलिंग की वीडियो देखी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्रेयर करूंगी और मैंने की, और मुझे बहुत रोना आया था. मैं हर रोज सोने से पहले करती थी. देखो, जो लोग पूछते हैं ना कि किस वक्त करना है, तो उन्होंने इवन वक्त तक बताया है कि ये हर रोज सोने से पहले करती थी. 10 मिनट में रोती भी थी. जो लोग कहते हैं ना, दी हम लोगों को बहुत रोना आता है, तो प्लीज रो दिया करें. मुझे भी आता है, जब मैं अपनी खुद की हो ओपन ओपन प्रेयर सुनती हूँ तो मुझे खुद रोना आता है, तो मैं भी रोती हूँ. तो ऐसा कुछ नया नहीं है, सभी लोग रोते हैं और रोना चाहिए क्योंकि रोने से हीलिंग होती है. 10 मिनट में रोती रहती थी, मुझसे कंट्रोल नहीं होता था. आज मुझे पूरा एक वीक हो गया है और मेरे हिप एरिया की स्किन ठीक हो रही है. वाव, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है, मैं बहुत खुश हूं मैम, थैंक यू सो मच. मेरी आंखों में इस टाइम बहुत ढेर सारे आंसू हैं, लेकिन ये खुशी के हैं. चलो, ये चीज अच्छी हुई. मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक वीक से कोई क्रीम कोई मेडिसिन नहीं ली, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ. मैम, मेरी ये सक्सेस स्टोरी आप जरूर शेयर करना. जी, मैं बिल्कुल शेयर कर रही हूँ आपकी सक्सेस स्टोरी, और इंस्पायर भी हो रही हूँ इस सक्सेस स्टोरी से. जो भी इस तकलीफ में है आप लोग, प्लीज इस प्रेयर पर ट्रस्ट करिए, ये जरूरी है. ये जो एक की पॉइंट है ना, ट्रस्ट वाला, ये बहुत जरूरी है. ये फेथ बिलीफ कभी कभी चट्टानों को हिला देता है, ठीक है? तो ये चीज जरूरी है, ठीक है? तो वो कह रही है कि लोग प्लीज इस प्रेयर पर ट्रस्ट करिए, ओनली 1 वीक करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेंगे. एंड मैम, थैंक यू आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड लव. थैंक यू अल्लाह सुभान व तआला, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हो ओपन ओपन ऑफ प्रेयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू शबीन, थैंक यू. इतनी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, एंड इट रियली नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की. दुनिया को अपने चीज़ों के बारे में जब हम लोग शेयर करते हैं तो उसे बहुत लोग होते हैं ना कि क्या कहेंगे उसको,
सबको एक हेजिटेशन होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बिना किसी सोचे समझे उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, तो प्लीज़ इससे इंस्पायर ज़रूर होइएगा, ठीक है। ओके, फिर आती है बारी अब मौमिता बगची की। आई थिंक मौमिता बगची मैम जो है वो एक हीलर है, और उन्होंने इतना अच्छा एक जो एफर्मेशंस के बारे में पूछते हैं ना, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मतलब शिवेन ने कल ये चीज़, दोनों ने ये चीज़ ट्राई की, एंड आई मस्ट से बहुत पावरफुल है ये। क्योंकि जब मैंने आंखों में आंखें डाल के आईने के सामने खड़े होके ये जब कहा अपने आप से, पता नहीं मुझे एक अलग सी पावर फील हुई अपने अंदर। सो अगर आप भी चाहते हो ना कि एफर्मेशंस आप करना चाहते हो, स्टार्ट विद दिस। आई थिंक इट विल आपकी रियलिटी को शिफ्ट करने में ये बहुत मदद कर सकता है। तो हाय मैम स्टार्टेड, मौमिता बगची कह रही हैं, हाय मैम स्टार्टेड लिसनिंग यू लेटली। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट यू हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल स्माइल, थैंक यू सो मच, एंड पॉजिटिव ऑरा अराउंड, थैंक यू। द वे यू आर मेकिंग पीपल अवेयर इज ऑल द वर्क एज वी एज ए एनर्जी हीलर्स नीड टू डू टू हील दिस होल वर्ल्ड एंड टू मेक अ बेटर प्लेस टू लिव। वो एक खुद एक एनर्जी हीलर है और वो मानती है कि हमें पूरी दुनिया को हील करना चाहिए, और वो यही कह रही है कि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और आपके आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है उन्हें। तो उन्होंने मेरा वीडियो कहीं देखा और उसके बेसिस पे उन्होंने ये बात कही है। सो वो कहती है कि जस्ट वन थिंग इफ यू अलाउ मी टू से, डेफिनेटली दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद एफर्मेशन प्रॉब्लम्स थिंकिंग दिस इज नॉट माई रियालिटी, मतलब जो लोग परेशान हैं एफर्मेशंस को लेकर और सोचते हैं कि ये जो हम लोग एफर्मेशंस बोलते हैं वो तो हमारी सच्चाई नहीं है, तो कह रही हैं कि मैं आप लोगों को दो एफर्मेशन सजेस्ट करना चाहती हूँ। वो आप सभी को, मुझको, आपको, सभी को वो दो एफर्मेशन देना चाहती हैं। आई वुड सजेस्ट विच इज़ अ गेम चेंजर इन माई लाइफ एंड होप इट विल चेंज दोज हु रीड दिस कॉमेंट। उन्होंने कहा कि ये जो दो एफर्मेशन है ये मेजर एफर्मेशन है जिसने उनकी ज़िंदगी को बदला है, और वो चाहती है कि दुनिया इस चीज़ को यूज़ करे और अपने आप को एक, जो आप एक डिज़ायर्ड फुल लाइफ देना चाहते हो अपने आप को, वो दे सके, क्योंकि इनके लाइफ में इस दो एफर्मेशन ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, अमेजिंग चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। कभी कभी मेरे पैर में क्रैम्प आ जाता है तो डोंट वरी। सो आई वुड सजेस्ट विच इज अ गेम चेंजर इन माई लाइफ एंड होप इट विल चेंज दोज हु रीड दिस कॉमेंट। आई एम लिमिटलेस, ठीक है, आई एम लिमिटलेस एंड आई एम इनफ, ठीक है, मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लिख देना, आई एम लिमिटलेस, और दूसरा है आई एम इनफ। इनफ मतलब मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लिमिटलेस का मतलब होता है कि आप जब अपने आप को लिमिट नहीं करते हो और हर वो चीज़ पाने की आपकी जो भी आपके अंदर इतने सारे पावर्स है कि आप उस चीज़ को कैसे भी करके पा सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट लिमिटिंग योरसेल्फ, तो उसका मतलब ये होता है आई एम लिमिटलेस। अगर इसको और कन्फाइन करके कोई बता सके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई एम लिमिटलेस, आई एम इनफ। ये दो जो सेंटेंस है ये आपको बोलना है। आई एम के जितने भी एफर्मेशंस होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये दो एफर्मेशन उन्होंने कहा, डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ मिरर आई टू आई, डू दिस एवरी डे फॉर 30 डेज। वो कह रही है कि मिरर के सामने खड़े होइए, आंखों में आंखें डालिए और इस बात को, इस एफर्मेशन को आप बोलते जाइए, ठीक है। नाउ सी द बिगेस्ट शिफ्ट, डू दिस एवरी डे फॉर 30 डेज एंड नाउ सी द बिगेस्ट शिफ्ट इन द रियलिटी। आई हैव मेनी स्टोरीज टू शेयर, उनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए, उसमें से उन्होंने एक दो स्टोरीज बताई हैं। वो है कि उन्होंने जो अपने आंखों का कलर है, ब्लैक उनके कलर था आयरिस का, उसको ग्रीन शेड में चेंज कर दिया। ये बहुत, वाकई में बहुत पावरफुल चीज़ है और पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है।
उन्होंने अपने आंखों का रंग बदला है, ब्लैक से ग्रीन शेड में लाया है. आई टर्न माई ब्लैक आयरिस टू ग्रीन शेड, लिफ्टिंग डेड लिफ्ट एट 115 kg. ओ माई गॉड. मतलब डेड लिफ्ट क्या होता है पता है? वो डेड लिफ्ट में आपको ऐसे झुकना होता है और वो 115 किलो का मैंने कहाँ तक किया है, मुझे जहाँ तक याद है मैं 25 किलो से 30 किलो तक ही करी थी एक बार जब ट्राई करना था. और फिर उसके बाद जो नज़ारे थे मेरे आंखों के सामने, सच में मुझे ऐसा लग रहा था चिड़िया नाचने लगी है. ओ माई गॉड, दिस इज अमेजिंग. मतलब बीइंग इन वेट ऑफ 53 kg, और वो 53 किलो की थी, और उन्होंने डेड लिफ्ट, लड़के लोग जो भी सुन रहे होंगे ना उनको पता होगा कि डेड लिफ्ट क्या होता है, या जो जिम जाते हैं जिनके हस्बैंड जिम जाते हैं उनको थोड़ा बहुत पता है. जितने भी सेलिब्रिटीज है वो लोग ये करते ही करते हैं. मतलब वो ऐसे झुक के वो ऐसे उठाना होता है, ऐसे पकड़ना होता है, एंड देन ऐसे करना होता है, फिर ऐसे करना होता है, फिर ऐसे करना होता है, फिर ऐसे करना होता है. भाई 115 किलो, मैं तो 30 किलो में मेरे को तारे सितारे दुनिया के नज़ारे देखने लग गए थे. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. ये जो चीज़ है ना मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि रिएक्शन आए मेरा आप लोगों के सामने. मेरे तो पसीने छूट गए. लिस्ट इज एंडलेस. मैम यू आर डूइंग वंडरफुल, लव्ड अगेन योर स्माइल, रिगार्ड्स मोमिता लाइट वर्कर. ओ माई गॉड मोमिता, यू आर अमेजिंग. भाई धन्य हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू डिड दिस. मतलब ये चीज तो मैंने नहीं देखी थी, मैंने बस आपका एफर्मेशन तक देखा था. और मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था यार कुछ तो मतलब इन्होंने भेजा है, मैं चाहती हूँ कि सॉरी हस्बैंड नहीं, शिवेन, उसको हस्बैंड नहीं पसंद आता है. सोचो वो बोलता है थोड़ा मैं एज लगता हूँ. तुम शिवेन ही बोला करो. ओके शिवेन का मैंने ये चीज़ हुआ कि उसने और मैंने बस ऐसे ही इतना ही पढ़ा था शायद, और मैं फिर सोची कि नहीं मैं कल जो है ना लाइव पढ़ूंगी इस चीज़ को, लोगों के सामने रिएक्शन दूंगी कि मेरा रिएक्शन क्या आता है. और वाकई में सच में ये जो डेड लिफ्ट वाला जो है ना सीन, ये तो सच में मैंने नहीं पढ़ा था. मैंने यहाँ तक पढ़ा था ब्लैक आयरिस से ग्रीन शेड, यहाँ तक तो मैं सच में वाकई में मैं पढ़ी थी. ये डेड लिफ्ट वाला मैंने छोड़ दिया था पार्ट. सच में वाह, मजा आया ना सुन के, मुझे भी अच्छा लगा. अब ये जो है जो एफर्मेशंस कहते हैं ना कि एफर्मेशंस के साथ फीलिंग्स कैसे जनरेट होती है, तो एक किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा. तो मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बस इतना कह सकती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी अच्छी टेक्निक लोगों के सामने रखी. अगर कभी यू नो फॉर्चुनेटली आपका जो ये कमेंट है अगर वो किसी की आंखों के सामने आएगा तो वो डेफिनेटली आपको थैंक यू बोलेगा, तो उस थैंक यू को स्वीकार जरूर कर लीजिएगा. सो Shine, you know one thing, one of my friend had taken a coaching from Mitesh Khatri. अच्छा Mitesh Khatri के बारे में मैंने बहुत सुना है, वो coaching भी देते हैं law of attraction की, और वो उसके बारे में बात करते हैं. ये भी एक यूट्यूबर है शायद, Mitesh Khatri, हाँ मैंने कहीं सुना है इनका नाम. ठीक है, तो उनके एक किसी दोस्त ने कोचिंग ली थी Mitesh Khatri से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट आई डोंट रेजोनेट विथ हिम. लेकिन वो कह रही है कि मेरा यू नो उनके साथ कभी कभी होता है, आप हर एक यूट्यूबर के साथ या हर एक कोच के साथ आपका यू नो तालमेल नहीं बैठ पाता है, वो वाइब्स नहीं क्रिएट हो पाती है. तो वो कह रही है उनकी वाइब्स उनके साथ नहीं क्रिएट हो पाई, सो आई डोंट फॉलो हिम. तो वो उनको फॉलो नहीं करती हैं, बट आई रियली लाइक दिस ट्रिक. लेकिन उनको एक ट्रिक जो उनके दोस्त ने बताई थी Mitesh Khatri की, तो वो उन्होंने यू नो उनके साथ शेयर की थी, और वो जो ट्रिक है उनको पसंद आई और वो चाहती हैं कि दुनिया के साथ वो शेयर करें. When we starting affirming fast automatically feeling generating in our head. वो कह रही है कि जब आप affirmation करते हो, जैसे कि I am enough, तो आप जब fast करते हो automatically आपके दिमाग में क्या होता है, आप चला रहे होते हो और feelings अचानक से जनरेट होने लगती है.
ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे दी जनरेट कैसे करनी है फीलिंग, मुझे तो वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, तो आप बस बोलते जाओ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फीलिंग आप बस बोलते जाओ और वो चीजें अपने आप फीलिंग जनरेट करेंगी वो थॉट, ठीक है। और फिर उसके बाद बिकॉज इन माइंड देयर इज स्टोन लाइक थिंग, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पत्थर जैसी चीज होती है, चट्टान जैसी चीज होती है, लाइक थिंग व्हेन वी स्टार्ट अफर्मिंग, जब हम लोग अफर्म करना शुरू करते हैं फीलिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगती है। जस्ट लाइक अर्ली मैन, व्हेन अर्ली मैन हैड रब्ड टू स्टोन्स देन फायर स्टार्ट स्ट्राइकिंग फ्रॉम इट। उन्होंने इतना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है कि कह रही है कि जब दो पत्थर, जब बहुत जमाने पहले जब आग नहीं थी तो लोगों ने क्या किया, पत्थर को घिस के आग बनाई, राइट। तो वही होता है जब आप बार 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 एक चीज को बोलते जाते हो तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और एकदम से एक फायर आ रही है। फायर क्या है, आपकी फीलिंग जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से यू कैन जनरेट फीलिंग। अब शैलजा महाजन, उनका हम लोग पढ़ते हैं। Hi Shine, just want to share one little secret, success story with you. ठीक है, उन्होंने एक अपनी success story share की है। Last month I saw a product, it's a face mist whose actually price is 499 rupees. तो वो कह रही है कि last month ना उन्होंने कोई एक product देखा था, face mist मतलब, ठीक है, तो उन्होंने देखा था उसकी price थी 499 रुपए। I just visualized that I get this product in 200 rupees. उन्होंने विजुअलाइज किया और उन्होंने देखा कि मतलब वो विजुअलाइज करो, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज करते हैं ना, मैंने भी ये किया है इसलिए मुझे हंसी आई। ओ वाह। तो जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, छोटी छोटी चीजों से अपने यू नो स्ट्रेंथ को बिल्डअप करते जाते हो, बिलीव को बढ़ाते जाते हो। तो 499 रुपीज का जो प्रोडक्ट था उनको उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो उनको 200 रुपए में मिल जाए। And on Guru Purv, the company sell the product in 113 rupees for 1 hour. और जो Guru Purv company का नाम है कोई, वो उस product को बेच रहे थे 113 रुपए में एक घंटे के लिए। And I just scroll the Insta, और उन्होंने Instagram पे देखा होगा, and that notification pop up. और अचानक से हुआ कि उनको एक notification आया उनके Instagram पे। And I wondered without wasting my time, I just ordered it and received it now. और उन्होंने कहा कि बिना किसी सोच समझ के मैंने बस उसको ऑर्डर को प्लेस कर दिया, 113 रुपए में उनको वो जो 500 रुपए की चीज थी वो मिल गई एंड उन्होंने वो चीज रिसीव कर दी। और फिर उसके बाद वो कह रही, प्लीज हेल्प विद सम एफर्मेशन फॉर रिलेशनशिप हीलिंग प्लीज। तो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए आपको एफर्मेशन वही है, जो भी चीज आप जिस एरिया में आप अपने लाइफ को हील करना चाहते हो, जैसे कि आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, तो ऑलवेज से दैट योर फैमिली इज यूनाइटेड। आपने शायद शैलजा शेयर भी किया है लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस, और मैंने रिप्लाई भी किया था कि मुझे अच्छी लगी आपकी लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस। तो वही चीज आप कर सकते हो कि योर फैमिली इज यूनाइटेड, यू आर लिविंग इन अ हेल्दी एंड लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, योर सन इज सो ओबीडियंट एंड लव्स यू बैक द वे यू लव हिम। ऐसे जो भी आपको लगता है, बस एक स्टोरी क्रिएट करते चलो अपने दिमाग में, वही चीजों को थैंक यू बोलते रहो, अपने चीजों को, अपने रिश्तों को, अपनी हर एक चीज को, जो भी आपके आसपास के रिश्ते हैं उन सभी के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दो, ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दो, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं प्रवीण पाटिल। प्रवीण पाटिल का जो ये कहानी है, ये मतलब मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे, सॉरी शिवेन वही बोल रहा था कि यू नो इट इज लाइक प्लॉट मिल गया किसी को, बहुत वो भी खुश हुए, कह रहे कितना मतलब जादू है इस हो ओपनो पोनो में। देन ही स्टार्टेड मतलब लिसनिंग टू दिस ऑल सक्सेस स्टोरी, उन्होंने भी अब स्टार्ट किया है हो ओपनो पोनो, उसके पहले नहीं कर रहे थे, ऐसे हैं देख लो आप। अब प्रवीण पाटिल कह रहे हैं, मैडम आई yesterday यूज हो ओ पोनो पोनो प्रेयर फॉर my प्लॉट ओरिजिनल दैट आई
वॉज लॉस्ट. अच्छा, उनकी कोई एक जमीन थी जो उनसे खो चुकी थी, मतलब वो किसी के और एरिया में चली गई थी. और उन्होंने क्या किया, कल बैठे होंगे, हो ओपन ओपन प्रेयर उन्होंने की अपने ओरिजिनल प्लॉट के लिए जो प्लॉट उनसे हाथ से छूट गया था. आई ऑल्सो फील दैट पेपर्स आर इन माई हैंड. और जब मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक शायद बताती हूँ तो तब वो उन्होंने विजुअलाइज किया होगा कि वो जो पेपर है, जमीन के कागजात है, वो उनके हाथों में है. एंड टूडे अबाउट 11 AM, और आज ऐसा हुआ, कह रहे हैं कि 11 बजे, सुबह के 11 बजे आई गॉट ओरिजिनल पेपर्स इन माई हैंड. और उन्होंने कहा कि मैंने कल रात ये चीज की और सुबह ऐसा हुआ कि 11 बजे, सुबह उठते साथ 11 बजे उनके हाथ में वो पेपर्स थे. सो थैंक यू मैडम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल. ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण पाटिल, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर ब्यूटिफुल लैंड. उस लैंड का बहुत अच्छे से यूज करना, क्योंकि यूनिवर्स ने वो गिफ्ट के तौर पे आपको दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना और वो आपको बहुत फ्लरिश करेगा आगे. यू नो, जब यूनिवर्स आपको कोई चीज देते हैं तो उस चीज को ग्रेटफुल होके आप जब उस चीज को एक्सेप्ट करते हो ना, तो क्या होता है, भले वो चीज आपने मांगी हो लेकिन यूनिवर्स ने लाकर आपको दी है, तो वो चीज अपने आप एक अलग सा उसमें एक मैजिक होता है. वो आपके आपके कोई भी चीज, अगर आपको जो मिल रही है, जो लैंड आपको मिला है ना प्रवीण, वो लैंड एक्चुअली में आपको इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा आगे. वो बहुत बहुत बड़ा लक फैक्टर साबित होगा आपके लिए. और उस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना यूनिवर्स से, क्योंकि जब ये आप ग्रेटफुलनेस स्टार्ट करोगे, ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दोगे, थैंक यू होना शुरू हो जाओगे छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि ये छोटा है सक्सेस आपका. मैं जानती हूँ इससे ज्यादा चीजें आपके पास आ सकती है और ये ज्यादा चीजें आप अट्रैक्ट करोगे. इस लैंड के ऊपर ही आप बहुत कुछ अच्छा से अच्छा फ्लरिश करोगे. सो विद दिस नोट, अब हाँ, एक मिनट, किसी का और का भी आया है, शबनम भट्टा राय. एक मिनट, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, मैं ढूंढती हूँ. ये जो है इनका भी कुछ है लगता, क्योंकि एक ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि मैंने किसी का सक्सेस स्टोरी मैं भूल गई बताना आपको. रिचा की सक्सेस स्टोरी थी और मैं भूल गई, है ना, तो वो चीज फिर दोबारा ना हो इसीलिए. ओके 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 होता है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा होता है. अदरवाइज जब मैंने ल्यूसी हे को सुना, मैंने सुदीन क्लो, डिंपल सिंह, प्रवीण पाटिल का मुझे कब आया, आई थिंक परसों आया था, उन्हीं के साथ था उनका. मैम अच्छा, रिचा श्रीवास्तव का भी है. मैम आई हैव सीन योर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सडनली मेरे पास आ गई आपकी ये वीडियो, आपकी बातों से 2 साल से. अच्छा, आप की बातों से बहुत कुछ लर्न किया. मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी लास्ट 2 साल से, 2019 से आगे. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम, आपकी हो ओपन ओपन प्रेयर की वीडियो का लिंक दीजिए, थैंक यू. अच्छी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो मैंने सुनील श्रीवास्तव जी का मैंने ना लाइक किया ना हार्ट भेजा, बहुत ही बुरी हूं मैं इस मामले में, लेकिन कभी कभी हो जाता है यू नो. कितने सारे मैसेजेस है भाई, ओ वाओ. किसी किसी को ना मैं बीच बीच में रह जाता है मेरा. देखो यार सॉरी, यहाँ सुनीता कुशवाहा जी, लव यू दी, लव यू यूनिवर्स, लव यू सुनीता कुशवाहा जी.
कभी कभी वो पॉपअप नहीं होता है। अरे बाप रे, देखो सच बात है, सच बात है। मतलब मैं ना कभी कभी अब मुझे ही बुरा लग रहा है ये चीज देखकर। सूदिंग फ्लो का इतना बड़ा मुझे वो आया सक्सेस स्टोरी, उसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ। सूदिंग फ्लो कह रहे हैं कि मैम आज भी एक मिराकल हुआ मेरे साथ, डिटेलिंग बिलो। मैम आपका हो ओपनो पोनो गाइडेड मेडिटेशन कर रहा था फॉर मनी एंड अबंडेंस, उसके बाद मैंने जोसेफ मर्फी का हिंदी ऑडियो बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा। जो बुक्स के बारे में पूछते हैं, ये बुक भी बहुत अच्छी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी बुक मैंने पढ़ी है। एट दिस टाइम 4 से 5 कुत्ते वर फाइटिंग अ लॉट इन द हाउस, मतलब नीचे कहीं उनके कुत्ते होंगे तो वो 4-5 कुत्ते मिलकर लड़ रहे थे। मैं काम छोड़ के उसको स्टॉप करने के लिए गया कि एक लकड़ी पीस ऑफ वुड थ्रो किया, लेकिन माय स्मॉल फिंगर में स्क्रैच आ गया, मतलब उनके छोटे छोटी उंगली में स्क्रैच आ गया जब उन्होंने एक टुकड़ा भेज फेंका होगा लकड़े का, तो मैं डर गया और लॉट ऑफ ब्लड केम आउट। आफ्टर 1 to 2 मिनट्स पेन स्टार्टेड, और ऐसा हुआ कि वो ब्लड आ गया होगा और उनका 1-2 मिनट बाद वो वहां पे खून निकलने की वजह से वहां पे ट्रॉमा हुआ था तो पेन शुरू हो गया। मैं घर वापस आ रहा था और सोच रहा था मिस्टेक तो मैंने ही किया है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे हैज गिवन मी अ गिफ्ट, उन्होंने उनको एक गिफ्ट दी थी। शी स्टिल सफरिंग फ्रॉम फॉर अप्लाइंग मेडिसिन, ओके, बट मैं पानी से हाथ साफ किया और बोला कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। घर में जाके खुद को शांत किया, आपका गाइडेड मेडिटेशन का शुरुआत कैसे करते हैं वो याद किया और स्टार्ट किया हो ओपनो पोनो प्रेयर। मैजिकली पेन रिलीज होने लगा, मैं फिंगर टच फील भी कर रहा था और पेन गायब। सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए, 4 मिनट किया, स्लोली किया, 20 से 25 मिनट टाइम होगा शायद, एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि काउंट नहीं करता हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करता था और होप करता हूँ और प्रेयर करता हूँ, और घर में कोई आ जाए तो ही मैं बोलता हूँ ओके। नॉर्मली द पेन सबसाइड्स विद इन 24 to 72 आवर्स। यूजली क्या होता है, उनका पेन सबसाइड होने के लिए 24 से 72 घंटे लग जाते हैं, बट आपकी गाइडेड मेडिटेशन और माई प्रेयर डिड नॉट सॉल्व इट। ओके मैम, आज ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट बोल सकती हैं आप, क्योंकि हमारा घर में एवरी टाइम होम्योपैथी मेडिसिन रहती है लेकिन मैंने यूज नहीं किया। तो टू बिल्ड ट्रस्ट इट इज इम्पॉर्टेंट और सक्सेस विल हैपन। अब सिर्फ ब्लड जमा हुआ है और थोड़ा पेन है, less than 1% और हैव वन। आज सुबह मैंने सोचा एक कप टी मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सब टी ड्रिंक कर लिया था तो कोई चांस ही नहीं था। मैंने सोचा चाय मैनिफेस्ट करूंगा, बट उसके लिए रिचुअल करना भूल ही गया, एकदम आउट ऑफ माइंड हो गया, बिकॉज मैंने के लिए आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के लिए आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जब यहाँ पे हाफ कमेंट आ गया हो गया उस टाइम मेरा दीदी ने मुझे बोली चाय के लिए। आई वॉज शॉक्ड, हाउ इज इट पॉसिबल, आई जस्ट थॉट अबाउट इट बट डिडंट डू एनी रिचुअल फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मैम। और फिर उसके बाद कह रहे हैं हियर इज माई सेकेंड एक्सपीरियंस एनबी, आई डोंट नो एनबी क्या होता है, पिछली बार में उन्होंने लिखा था। आज मैंने एक लेसन लिया आपका गाइडेड मेडिटेशन से, बॉडी को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आई यूज टू मेक अ मिस्टेक बिफोर जस्ट बाय क्लोजिंग माई आईज। थैंक यू फॉर दिस लेसन मैम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखो ये होता है, मैंने इस चीज को अभी देखा और बिकॉज किसी एक की, देखो आदित्य चौधरी का भी कुछ है, ओके, यू नो मैंने अभी जस्ट बिफोर 15 डेज ही ये चीजें देखनी सुननी जाननी शुरू की है, और मुझे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो लगा ये सब सीख कर, जैसे अलाइनमेंट में आना, ये जो आप भी आप र, र, नहीं ये जो कुछ भी आप राहत है और अंजना जी बताती है, एवरीथिंग चेंजेस इन एवरी स्प्रिंग सिचुएशन, आई एम सो हैप्पी, ओह वाओ।
मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ तो मेरा, देखो प्लीज शेयर लिंक आता है, थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस वीडियो आता है, बीच बीच के ना कुछ बेचारों के कॉमेंट्स रह जाते हैं और मुझे मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं अभी आप लोगों के सामने ही शुरू हो गई, अच्छा वो जब वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, खैर अगर वो वीडियो मिलता है ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे अचानक से वो दिखा और देखो उनके थ्रू सूदिंग फ्लो का एक और मैनिफेस्टेशन हो गया। ये होता है कि मतलब मैंने मैंने तो स्क्रीनशॉट लिए थे, मैंने बाकी चीजें की थी, लेकिन जो सूदिंग फ्लो का जो मैनिफेस्टेशन था, जिसे उन्होंने चाय मैनिफेस्ट की, उसी तरीके से उन्होंने अब ये भी मैनिफेस्ट किया ही होगा, और ये भी उनके मैनिफेस्टेशन लिस्ट में जाएगा कि यूट्यूब वीडियो पे उनका ये सेकेंड सक्सेस स्टोरी आई है। सो आई एम सो हैप्पी सूदिंग फ्लो फॉर यू, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग। और बहुत सारे लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज शेयर करते रहा करें, हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।